दीदी का मैसेज भी तो आया था, घर बुला रही थी। जाऊं या ना जाऊं, कुछ काम ही होगा तभी बुला रही हूं। चला जाता हूं ना। हाँ बाद में वापस आ जाऊंगा सयूरी को पिक करने के लिए, वैसे भी अभी टाइम है। ओके। सारी काना की फेवरेट डिशेस हैं, आज तो वो खुश हो जाएगा। तुम अब तक यही हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम? हाँ है तो, पर छोड़ो। वाह इतने सारे पकवान बने, जरा चखते। बिल्कुल नहीं, काना आ जाए उसके बाद। भाई का नाम इन्वॉल्व है इसीलिए छोड़ रहे, वरना पूरा टेबल ना तुम्हारे सिर पे उल्टा कर देते। उसका नाम इन्वॉल्व है इसीलिए मैं भी चुप हूँ, वरना मैं भी चुप नहीं रहती। कहाँ रह गया, कब आएगा घर? काना तू गया नहीं अभी तक? एक नंबर का जिद्दी है तू काना। ये काना थैंक गॉड चला गया, बस ऐसे ही चुपचाप दिल से और लाइफ से भी चला जा खाना प्लीज। हमें भी परखने दे तुम दोनों का प्यार, दे काना और अंजलि के रिश्ते को और एक मौका, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। दिल की सुनू तो कभी दूर ना होने दो तुझे, सरोज आंटी को इस तरह परेशान भी तो नहीं देख सकती। प्यार में सैक्रिफाइस तो कर सकती हूँ पर सेल्फिश नहीं हो सकती ना काना। मेरी वजह से तू अपनी माँ से दूर हो जाए कि कभी नहीं चाहूंगी मैं। काना आ गए तुम? नहीं अभी पिछले वाले नुक्कड़ पर हैं, थोड़ी देर में पहुंचते ही होंगे बस। वाओ वही पुराने गंदे जोक्स ट्रैक कर रहे हो, मतलब मूड बहुत अच्छा है। बस अब ऐसे ही रहना, तुम जब खुश रहते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर आओ इधर आओ। अंकल दादू आंटी दी, एक मिनट बैठिए ना। अरे भाई वाह क्या बात है, आज इतना सब खाना बनाया कोई खास दिन है क्या? मैंने बनाया अंकल। क्यों? ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे। अरे तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे लिए बनाया है खाना। अच्छा क्योंकि सयूरी का बर्थडे है आज इसीलिए। थैंक यू अंजलि, तुम वाकई में बहुत अच्छी दोस्त हो। थैंक यू अंजलि, तुमने भाभी के बारे में इतना सोचा, सो नाइस ऑफ यू। कान्हा अंजलि ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है, मैं सर्व कर देती हूँ। याद है जब हम पहली बार बाहर गए थे तब तुमने बताया था पास्ता तुम्हें बहुत पसंद है, और ये जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी तब रेस्टोरेंट में तुमने स्पेशली इसको ऑर्डर किया था। बहुत मेहनत की अंजलि ने, मन भर के खा। क्या हुआ काना, सब कुछ तुम्हारी पसंद का है? अंजलि चीजें बदल चुकी हैं, हमारे लिए सब कुछ मत किया कर। एक तो तेरी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरी बात तू यहाँ पे मेहमान है। काना ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए सब कुछ करना। पर हमें नहीं लगता। सयूरी करती तो अच्छा लगता तुम्हें? सयूरी बीवी है हमारी, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकती है, हक है उसका। तुम एक दोस्त हो, वक्त को समझो। काना काना प्लीज। क्या कर रही हो ये तुम? आ छोड़ो हमारा। खाना ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? पहले तो तुम ऐसे कभी भी नहीं करते थे। पहले और अभी में बहुत फर्क है अंजलि। क्या फर्क है? कुछ भी तो नहीं बदला है। देखो ना मैं पहले भी तुमसे उतना ही प्यार करती थी और आज भी खाना मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। प्लीज चुप हो जाओ, क्या बोले जा रही हो? वही बोल रही हूँ जो सच है। खाना हाथ छोड़, एक बार समझ में नहीं आता? नहीं आता समझ में खाना, कैसे तुम
कैसे तुम इतना बदल गए हो, सब कुछ भूल गए हो? खाना क्यों मुझे अपने आप से इतना दूर करते रहते हो? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि जो करो पूरे दिल से करो, तो वही तो किया है मैंने। पूरे दिल से तुमसे प्यार किया है और तुम भी तो करते हो ना मुझसे प्यार। कान्हा, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, तुम क्यों इस मजबूरी की शादी को इतना बड़ा मानने लगे हो? तुम प्लीज भूल जाओ शादी को, भूल जाओ सयूरी को। उसने कहा ना तुमसे कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, सबके सामने उसने कहा था, तुम्हारे मुंह पर कहा था कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। अंजलि स्टॉप दिस नॉनसेंस, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? भाई गुस्सा हो रहे, हाथ छोड़ो उनका। नकुल प्लीज, इस वक्त हम दोनों के बीच में इंटरफेयर मत करो। कान्हा को मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझता। अंजलि बेटा, नकुल सही कह रहा है। अंकल प्लीज, आप लोगों की इन्हीं सब बातों की वजह से खाना ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है, आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। हाथ छोड़ो हमारा। खाना, तुम मेरी बात समझो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। एक काम करते हैं, तुम और मैं आज ही शादी कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे, सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। आंटी, आप आज ही पंडित जी को बुला लीजिए, हम आज ही शादी कर लेते हैं। क्या हो गया अंजलि तुझे, दिमाग खराब है क्या? मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे कान्हा, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। अंजलि, आई रियली लव यू कान्हा। अंजलि, आई रियली लव यू कान्हा। आई लव यू, प्लीज तुम मेरी बात समझो। अंजलि, आई रियली लव यू, आई लव यू। सॉरी सॉरी, तुझे ऐसा धक्का नहीं देना चाहते थे हम, मगर क्या करें, तू हमारी बात ही नहीं सुन रही थी। कब से कह रहे थे हमारा हाथ छोड़ दे। एक बात याद रखना अंजलि, प्लीज हमसे दूर ही रहे और आज के बाद अपनी लाइन क्रॉस मत करना प्लीज। अंजलि बेटा, हाथ से खून, ये क्या किया तूने? भाऊजी सामने बैठे थे, अच्छा दिखता है क्या ये सब? तो क्या करती मैं? आपने तो मुझसे वादा करके कुछ किया नहीं, तो मैं और क्या करती? शांत हो जा खाना, शांत हो जा। अंजलि की वजह से अपना दिन खराब मत कर। सयूरी के लिए आज बहुत ही खास दिन है, उसका दिन खराब नहीं होना चाहिए।